26 मार्च से आईपीएल 2022 का आगाज होने जा रहा है और इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पिछले साल की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और रनर कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दरअसल आईपीएल 2022 का ओपनिंग मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2021 में एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से करारी मात दी थी। वहीं आईपीएल 2022 के सीजन में 10 टीमों के बीच कुल 70 मुकाबले खेले जाने हैं, जिनमें 55 मैच मुंबई के वानखेड़े ब्रैबॉर्न डीबीआई पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि 15 मुकाबले पुणे में खेले जाएंगे। आईपीएल 2022 के सीजन के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे के दादोजी कोंडादेव स्टेडियम को टीमों की ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के खेल मंत्री सुनील केदार ने ये कयास लगाए हैं कि आईपीएल 2022 के मैचों के लिए फैंस को स्टेडियम में आने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि सभी टीमें मुंबई की ट्रैफिक में ना फंसे। सुनील केदार ने कहा, कोरोना के मामले हर दिन कम हो रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब आईपीएल का मैच होगा तो उस समय दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति मिलेगी। ये खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी अच्छा होगा, जो 1.5-2 साल से घरों में बैठे हैं, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। वहीं खेल मंत्री सुनील केदार के अलावा महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी आईपीएल 2022 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वानखेड़े स्टेडियम का दौरा किया था। उन्होंने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि सभी मुकाबले महाराष्ट्र पुणे और मुंबई में खेले जाएंगे। राज्य के खेल मंत्री होने के नाते मैं बीसीसीआई का आभारी हूँ। बायो बबल और प्रतिबंधों के संबंध में और ये भी कि कितने लोगों को वहाँ खेल देखने की अनुमति होगी, वे सभी चीजें हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार काम करेंगे। खैर दोस्तों, सीएसके की पहले मैच में क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, हमारे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी सीएसके के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।